तुम दोनों को ये निकाह की अचानक क्या सूझी? भाई हो सकता है आर्यन और मरियम जो हैं वो इतनी जल्दी निकाह ना करना चाहते हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है अंकल, लेकिन देखें मैं यहाँ पे सिर्फ मंगनी के बजाय उस रोज निकाह की बात कर रही हूँ। शादी या रुखसती 4-5 महीने बाद भी हो सकती है, जब भी आर्यन और मरियम रेडी हों। क्या मैं जान सकता हूँ इस फरमाइश की वजह क्या है? अंकल आप तो जानते हैं कि आर्यन और मरियम की इस जर्नी में कितनी मुश्किलात आई हैं और कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं। वो तो शुक्र है कि आर्यन ने जिम्मेदारी का सबूत दिया और खुद को बदलने की कोशिश भी की है। बस अब हम चाहते हैं कि आगे मजीद कोई रुकावटें पैदा ना हों। दोनों का निकाह हो जाएगा तो आपको और मुझे इत्मीनान रहेगा कि एटलीस्ट दोनों साथ तो हैं। आगे फिर बेशक शहरी अपनी मर्जी से शादी और रुखसती की डेट फिक्स कर सकता है। हाँ, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। दैट्स ओके ओके। तुमने लंच किया? लंच तो किया है अंकल। वी हैव वेरी गुड सैंडविचेस इन द कैंटीन हियर। आई वुड लाइक टू ट्राई। ओके, आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड ऑलरेडी। अगर ये ख्वाब है तो मैं चाहती हूँ कि ये ख्वाब कभी भी ना टूटे। मैं चाहती हूँ ये वक्त यहीं रुक जाए। अपने हर ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए तैयार हो जाओ। कल बाबा तुम्हारे भाई से मिलने आ रहे हैं।